यहाँ मिडल में आ जाओ, बस बस क्या बात है। अरे आराम से, बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद यहाँ पर। क्या बात है, क्या बात है, रुक जाओ हम साथ में भाई, आप जाओ पूरा आपके लिए बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका। उर्फी मैम यहाँ पे आप उर्फी मैम। आज के वीडियो में आपको उर्फी जावेद और चेतन भगत के बीच होने वाली कंट्रोवर्सी के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उर्फी जावेद अपने फैशन सेंस को लेकर और अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। जहां पर कुछ लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग उनके खिलाफ और उनकी ड्रेसिंग सेंस के खिलाफ भी बातें करते रहते हैं। और अब रिसेंटली चेतन भगत जी ने भी ऐसा ही किया है। जी हाँ, एक लिटरेचर फेस्टिवल पर चेतन भगत ने उर्फी जावेद को लेकर काफ़ी ज़्यादा कुछ कहा। चेतन भगत का कहना था कि उर्फी जावेद के कारण आजकल की यूथ, आजकल की नौजवान खराब हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने मोबाइल पर, अपने इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब वगैरह पर उर्फी जावेद को देखते रहते हैं, जिसको लेकर वो लिटरेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। उनका करियर खराब हो रहा है, उनकी लाइफ खराब हो रही है, क्योंकि वो उर्फी जावेद को फॉलो करते हैं और उर्फी जावेद इस सब की जिम्मेदार हैं और वो यूथ को खराब कर रही हैं। और यही सब कुछ जब चेतन भगत की बातें उर्फी जावेद तक पहुंची तो वो काफ़ी गुस्से में आ गई। आप सब जानते हैं कि उर्फी जावेद किसी से डरती नहीं है और वो हर किसी को खुल्लम खुल्ला जवाब देती हैं और हर किसी की कंट्रोवर्सी या हर किसी के इस तरह के कमेंट का वो रिप्लाई ज़रूर करती हैं। तो उन्होंने चेतन भगत जी के बारे में भी काफ़ी सारी बातें की और उन्होंने बताया कि चेतन भगत जी को ये सब सोचना चाहिए था जब वो अपनी उम्र से छोटी लड़की को चैट कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा उनको पसंद करते हैं। तब उनकी शादी कहाँ गई थी, तब उनकी यूथ कहाँ गई थी, तब वो क्या सोच रहे थे, खुद के बारे में वो क्या सोच रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि रेप कल्चर को प्रमोट करना बंद करो कि किसी की ड्रेसिंग के कारण उसका रेप होता है, बल्कि अपने माइंडसेट को चेंज करने की बात किया करें। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा और चेतन भगत जी को काफ़ी बुरी तरह स्लैम किया और उनकी लीक हुई भी व्हाट्सएप चैट्स भी शेयर कर दी। उनका कहना था कि ये हैं वो चेतन भगत जी, उनका खुद का करैक्टर कैसा है और वो मेरे ऊपर बात कर रहे हैं और वो भी एक ऐसे लिटरेचर फेस्टिवल में जहाँ पर मेरी कोई लिंक ही नहीं है, ना मैं कोई ऑथर हूँ, ना मेरी कोई बुक है, ना मैं कहीं वहाँ पर गई थी, ना मैं उस फेस्टिवल से कहीं ना कहीं रिलेटेड थी, तो मेरे बारे में बात करना बनता ही नहीं था। अगर वो एक लिटरेचर फेस्टिवल पर गए थे तो उन्हें लिटरेचर के बारे में बात करनी चाहिए थी, उन्हें बुक्स के बारे में बात करनी चाहिए थी, उन्हें किसी ऑथर के बारे में बात करनी चाहिए थी, उन्हें वहाँ पर मेरा नाम लेने की क्या ज़रूरत थी। What was the need to mention my name at a literature festival? I'm not an author. मेरा कोई लेना देना नहीं है. Also, you said कि मेरी वजह से यूथ खराब हो रहा है, चुप चुप के लोग मेरे पोस्ट देखते हैं. अरे आप तो चलो, आप तो बड़े हो, यूथ छोड़ो, आप तो मेरे अंकल की उम्र के हो, सबके मतलब यूथ के अंकल की उम्र के हो, बाप की उम्र के हो. आप शादीशुदा होने के बावजूद अपने से आधी उम्र की लड़कियों को क्यों मैसेज कर रहे थे? तब कुछ खराब नहीं हो रहा था आपका, ना आपकी शादी खराब हो रही थी, ना आपके बच्चे खराब हो रहे थे, तो मैं ये सब हरकतें करके। और उन्होंने वहाँ पर ये भी कहा कि वो उर्फी जावेद का न्यू लुक देख कर आ रहे हैं, तो वो क्यों मुझे फॉलो करते हैं और वो क्यों मुझे देखते हैं? अगर मेरी कारण सब कुछ खराब हो रहा है तो उन्हें भी मुझसे दूर रहना चाहिए। आपको उर्फी जावेद का चेतन भगत जी को दिया गया ये जवाब कैसा लगा और आप क्या उर्फी जावेद की बात से सहमत हैं? हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।